नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट के यूएस स्पेशल एपिसोड के सीजन 2 में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीकेंड में मैं शिकागो गया था फैमिली के साथ और वहाँ पे हम लोग हिल्टन होटल में रह रहे थे और उसके परफेक्ट सामने कॉपरफील्ड नाम का एक वाइन स्पिरिट बियर एंड ग्रोसरी शॉप था। जी हाँ, देखिए ग्रोसरी शॉप था लेकिन वहाँ पे ऑल टाइप ऑफ अल्कोहल अवेलेबल था। पता नहीं इंडिया में ये सब कब शुरू होगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज़ गारंटेड पता है कि हम ड्रिंकर्स को ना एजुकेट होना चाहिए और जब हम एजुकेट हो जाएंगे अच्छी तरह तब जाके ऐसे टाइप के शॉप्स इंडिया में भी शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है ना आप लोगों को सबको निशूस कास्ट के एपिसोड्स फॉलो करने चाहिए। जी हाँ, क्योंकि निशूस कास्ट हमेशा कहता है लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूस कास्ट। जी हाँ, तो चलते हैं उस कॉपर फील्ड ग्रोसरी शॉप में जहाँ पे सब अल्कोहल की अवेलेबिलिटी है। और इस शॉप की खास बात यह है कि इसको चलाने वाले जो ओनर है वो एक्चुअल पंजाब से है। जी हाँ, इंडिया के पंजाब से है लेकिन यहाँ पे सेटल हो गए कुछ सालों से और उनका नाम है वरुण शर्मा जी। तो चलिए शिकागो के टूर की कुछ झलकियाँ देखते हुए हम चलते हैं कॉपरफील्ड शॉप में और करते हैं वरुण जी से कुछ बातचीत। लेट्स गो देयर। नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट के यूएसए स्पेशल एपिसोड के सीजन 2 में आप लोगों का स्वागत है। अब मैं ये कॉपरफील्ड मार्केट का जो आपको बोर्ड दिख रहा है उस शॉप में जा रहा हूँ जहाँ पे स्पिरिट्स वाइन एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। लेट्स एंटर इन द शॉप एंड उसका नज़ारा मैं देता हूँ आपको। शॉप में चलते हैं। इन्होंने यहाँ पे मिनिएचर्स रखे हुए हैं, लवली कलेक्शन यहाँ की लोकल है। ये दिस इज यगमाइस्टर, दिस इज स्क्रू बॉल, इट्स अ पीनट बटर विस्की एंड सम कॉल्स जीन और कई अच्छे अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे है। बुशमिल है, जेमेसन भी रहेगी मेरे ख्याल से, दिख नहीं रही है। और ये बॉटल देखिए कितनी खूबसूरत है। दिस रिपोसाडो टकीला शॉप, बफेलो टेरेस एंड लवली विस्कीज आर हियर। दीज आर ऑल बर्बन विस्कीज। अब हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ पे पूरा वाइन का कलेक्शन है, लवली कलेक्शन, कई तरीकों की वाइन है जो आप देख रहे हैं, रोजे, वाइट वाइन है यहाँ पे, कई ब्रांड्स है वाइन के, कई ब्रांड्स है। गुड कलेक्शन, वेरी नाइस कलेक्शन। वाओ, सम lovely bottles of wine and champagne, chardonnay hai, rosé hai, this is champagne. आपको यहाँ पे rates भी दिखते होंगे, आप आराम से देख सकते हैं क्या rates है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं अगले section में जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी
कई टाइप की बियर, दीज आर ऑल बियर करेक्ट बियर कलेक्शन, ये अच्छा अच्छा बियर कलेक्शन है। हेनिकेन तो आपको पता होगी, दिस इज ब्लू मून, जिसका रिव्यू अपने चैनल पे हो चुका है, बहुत अच्छी है ये, अपने यहाँ की फेमस कोरोना जो अपने यहाँ भी मिलती है। मोडोलो भी एक अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन इन्होंने रखा है, वेरी नाइस कलेक्शन दे हैव। सम IPA बियर भी है यहाँ पे, इस बियर को मैंने ट्राई किया है, बहुत अच्छी IPA बियर है, ज़्यादा कड़वी है बट अच्छी है। आपको याद होगा वुडू रेंजर का भी मैंने एक रिव्यू किया था, ये वुडू रेंजर IPA जब लास्ट ईयर में US में था उस समय। सम लवली ब्रांड्स, वाव, लाइट बियर में है, बड लाइट है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। ये वाइन का पूरा रेंज है यहाँ पे, बहुत अच्छा कलेक्शन, इतनी छोटी शॉप में इतना अच्छा कलेक्शन इन्होंने रखा है। दीज आर सम शैम्पेन एंड सम नाइस बॉटल्स, सी द बॉटल, बॉटल के लिए रखने के लिए लेने के लिए कोई हर्जी नहीं है ऐसा लगता है मुझे। एंड नाउ दिस इज एंटायर हार्ड लिक्योर, वेरी लवली कलेक्शन, यू कैन सी द रेट्स ऑल्सो, आप रेट भी देख सकते हैं। टेलर पोर्ट, पोर्ट वाइन है यहाँ पे, कंपारी है, सम एक्सप्रेसो मार्टिनी एंड लवली बॉटल अगेन, बहुत ही सुंदर बॉटल, लवली कलेक्शन, कोरोसा, कलेक्शन हेंड्रिक का भी कलेक्शन देखिए यहाँ पे, स्काई एब्सोल्यूट बोर्ड का है, सिरा जियो मैंने अभी पिछले एपिसोड में रिकमेंड की थी, टिटोज, टिटोज यहाँ की बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेड बोर्ड का है, एम्स्टरडैम ये भी बोर्ड का अच्छी है, कैनसन रिजर्व प्लैटिनम, जैसे स्मार्नोफ ने यहाँ की जो मैंने अपने लास्ट पिछले एपिसोड में अगेन रिकमेंड की थी, मुझे स्काई वोर्ड का नहीं दिख रही है लेकिन ठीक है, ये शॉप में रखी नहीं होगी। और ये रहा अपना इंडियन कलेक्शन, इंडियन इंद्री भी है यहाँ पे, देन सिग्नेचर रेयर रॉयल चैलेंज और अमृत, इंडियन कलेक्शन, इंडियन विस्कीज में इतना कलेक्शन है इनके, बेंचमार्क है, दिस इज केंटकी स्ट्रेंथ बर्बन विस्की है, बफेलो टेरेस अगेन, दिस इज ऑल्सो वन नाइस बॉटल, मेकर्स मार्क एक अच्छा ब्रांड, नॉप क्रिक, गुड, वेरी नाइस कलेक्शन, सी द शेप ऑफ दिस बॉटल, ये जो बॉटल शेप आपको दिख रहा है, दिस शेप इज टिपिकल जो डिस्टिल करने के लिए जो कॉपर स्टील और जो रहता है वही शेप का है, जिम बिम बर्बन विस्की, फोर रोजेस, चेक डैनियल, दिस इज टेनेसी, मेरी एक टूर भी हो गई थी यहाँ पे,
जैक डेनियल में, दिस इज कैनेडियन क्लब विस्की, कनाडा का कैनेडियन विस्की जो है वो है यहाँ पे, जिससे अपने यहाँ मिलती है वो ब्लैक लेबल, रेड लेबल, मंकी शोल्डर, बुशमेल्स, दिस इज फायरबॉल, सिनेमन विस्की है, वेरी एक्सेलेंट कलेक्शन, वेरी लवली कलेक्शन दे हैव के बेलविनी, हिबिकी, दिस इज जापनीज, मैकलन, हेनेसी, दिस इज टकीला, द होजे काविया, दिस इज अनदर टकीला, कैन सी द रेट्स. ग्लेन डेविड का कलेक्शन है यहाँ पे, खास कलेक्शन है, मैकलन 12 year 15 year, इसको कॉस्ट देखिए $89.99 एंड 15 इयर्स की है $179.99. हेलो सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? वेरी लवली शॉप यू हैव. आप कहाँ से हैं? यू आर फ्रॉम? यू आर फ्रॉम पंजाब. माई गुडनेस, नाइस टू हियर दैट. मैं मुंबई से हूँ, मुंबई में ठाणे. यस, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बोरीवली, अब ठाणे में सेटल हुआ. अब ठाणे नहीं जाते. क्या बात है, आपकी हिंदी तो काफ़ी फ्लुएंट है, नेचुरली पंजाब के है तो. अब यहीं से पले? अच्छा, वहाँ से. यहाँ पे कितने साल से? दस साल हो गए. और ये शॉप बहुत ही अच्छी मेंटेन की और बनाई है. नहीं नहीं, बहुत अच्छा कलेक्शन है. इतना कलेक्शन मैंने हमारे यहाँ के कोई शॉप में भी नहीं देखा, इतना कलेक्शन आपके यहाँ है. ये कैसे शुरुआत की आपने? दो साल पहले लेने आया था यहाँ पे. एक काका थे जिन्होंने स्टोर को संभाला हुआ था. तो ये काका, एक काका हैं संजय भैया, जो स्टोर को तकरीबन 10 सालों से चला रहे थे. ओहो. बट उनका दिल पूरा हो चुका था कि लिखकर से अभी उनको निकलने का था. तो आई केम अक्रॉस एंड वी कनेक्टेड एंड समहाउ I like the place, I like the location, it's very, you know, live, a lot of people coming in from different parts of the world. So that's the only way I was like, let me run the show here and see how we can connect with people being a different, you know, community out here in America. So isliye bas liya, chala rahe. नहीं नहीं, दिस इज लवली. यू आर मेंटेनिंग द एंटायर. सब वाइन का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन रखा है. इतना कलेक्शन वाइन का कोई रखते नहीं. एंड यहाँ पे द हैपनिंग प्लेस है. इट इज वेरी हैपनिंग. या इट्स हैपनिंग प्लेस एंटायर शिकागो. एंड स्पेशली दिस एरिया इज वेरी हैपनिंग. एंड आई वॉज जस्ट रनिंग अराउंड, देखा कॉपर फील्ड एंड नीचे देखा वाइन एंड स्पिरिट्स एंड ऑल. सो आई वॉज हैप्पी. वी हैव नो टोबैको. No blunts here, bro. No tobacco at all. One more block. और ये खासियत देखिए, इन्होंने लीकर सभी टाइप की रखी है लेकिन टोबैको नहीं बेचते हैं. जी हाँ, बहुत अच्छी चीज है. जी बिल्कुल. जी टोबैको को हम सपोर्ट नहीं करते हैं. और आपका यहाँ है टोबैको को सपोर्ट नहीं करते हैं. वेरी नाइस. हाँ, और यहाँ पे इंडियन विस्कीज आपने काफी अच्छा कलेक्शन रखा है. जी, हमने सब रखा है. हमने ओल्ड मॉक भी रखा है. हम हेबर्ट्स 5000 भी रखते हैं. अच्छा, हेबर्ट्स 5000 रखते हैं. और बियर में? बियर में. और एक इंडियन बोर्न इन शिकागो बियर है, उसका नाम है आज़ादी ब्रूइंग करके है. वो भी बहुत पॉपुलर है यहाँ पे. वो अच्छा या इंडियन बना रहा है. क्या बात है. अच्छा है, चलो ये अच्छा नॉलेज मिला मुझे. बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया. आप यहाँ आए हमारे लिए, आपने कैमरा ऑन किया. अरे मेरा तो ये पैशन है और इसीलिए यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया, ताकि हमारे मुंबई वालों को और इंडिया वालों को यहाँ की बिल्कुल आपके जैसे लोगों की पहचान हो जाए. जी. और वहाँ से जब ये लोग शिकागो में आएंगे बिल्कुल, तो मैं जरूर आपका शॉप रेकमेंड करूंगा कि बहुत अच्छा कलेक्शन है. बिल्कुल, बिल्कुल. और निशुस कास्ट की तरफ से आप जरूर जाइए और इनसे मिलिए. बिल्कुल.
आपका आई डिडंट नो द योर नेम. माय नेम इज वरुण शर्मा. वरुण शर्मा. वरुण शर्मा जी से मिलिए और यू विल गेट द गुड कलेक्शन. उनके यहाँ थोड़े कस्टमर्स आए हैं तो मैं पॉज ले रहा हूँ. विच वोडका इज दिस? सर हमको एक वोडका पिला रहे. दिस इज टकीला. ओ नाइस. या आई कैन स्मेल इट नाउ. या रोजे बैरल टकीला. हाँ फिनिशिंग रोजे वाइन बैरल. ओके चीयर्स गाइज. चीयर्स सर. माय गुडनेस माइंड ब्लोइंग. या इट हैज अ लिटिल टच ऑफ रोजे रोजे वाइन एंड अरोमा ऑल्सो नाइस अगावे टकीला. So agave aroma is there. Nice drink. बहुत ही अच्छी टकीला थी. बहुत अच्छी है. अभी हमने जो टकीला टेस्ट की वो ये वाली टकीला है. देखा कोडिगो टकीला जिसको हमने अभी टेस्ट किया. बहुत सुंदर टकीला है. एक नया टेस्ट, नया अल्कोहल यानी अलग टाइप का टकीला टेस्ट करने मिला. बहुत ही मज़ा आया. वरुण जी थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा एक बहुत अच्छा एपिसोड और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव एपिसोड मैं इंडिया में रिलीज़ करूँगा. आपकी वजह से ये पॉसिबल हुआ. सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नाइस कोऑपरेशन. बहुत अच्छी टिप आपने दी जो बहुत महत्वपूर्ण है. थैंक यू सर. जी जी. ड्रिंक मॉडरेटली. डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशुस कास्क.